दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में अपनी क्यूटनेस और चुलबुले अंदाज के लिए मशहूर अभिनेता धीरज धूपर आज उन अभिनेताओं में से गिने जाते हैं जो अपने जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ अपने अच्छे व्यवहार के लिए भी मशहूर हैं। इसी वजह से तो इनके साथ काम करने वाले इनके साथ ही काफी अच्छा रिश्ता बनाकर रखते हैं। तो वहीं धीरज धूपर अपने साथ काम करने वाले क्रू मेंबर के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं। पर क्या आप जानते हैं, सभी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने वाले अभिनेता धीरज धूपर टीवी इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री से बेहद ज्यादा नफरत करते हैं। इतनी नफरत जितना कि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में किसी और से की हो। आखिरकार कौन है वो अभिनेत्री और ऐसा क्या कर दिया उसने कि धीरज धूपर के दिल में उसके लिए इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो गई? अगर आप भी इसके पीछे का सभी मसला जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम हंक धीरज धूपर ने अभी तक जितने भी सीरियल्स में काम किया है उन सभी सीरियल में काम करने वाले क्रू मेंबर के साथ काफी अच्छा रिश्ता बनाकर रखा। जैसे कि आप वर्तमान में कुंडली भाग्य सीरियल में देख ही रहे होंगे कि वो अपनी कोस्टार श्रद्धा आर्य के साथ कितना अच्छा रिश्ता बनाकर रखते हैं और उनकी टांग खिंचाई करने में पीछे नहीं हटते। पर इतना अच्छा रिश्ता बनाकर रखने वाले अभिनेता के दिल में एक अभिनेत्री के लिए इतनी ज्यादा नफरत है कि शायद ही उन्होंने अपनी लाइफ में किसी और अभिनेत्री से की हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बात सुनकर आपको भी बहुत ज्यादा अटपटी लगी होगी, पर ये बात सच है कि धीरज धूपर के दिल में जिस अभिनेत्री के लिए सबसे ज्यादा नफरत है वो कोई और नहीं बल्कि आपकी दीपिका कक्कड़ ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धीरज धूपर ने दीपिका कक्कड़ के साथ ससुराल सिमर का के सीरियल्स में काम किया था और सीरियल में काम करने के दौरान ही दोनों के बीच इतनी बुरी लड़ाई हुई कि धीरज धूपर ने सीरियल के बाद किसी और सीरियल में इनके साथ काम करने का मन नहीं बनाया। तो आपको बता दें, इन दोनों की लड़ाई के पीछे सबसे बड़ा रीजन था दीपिका का एग्रेसिव नेचर। वो बात बात पे धीरज धूपर को यही एहसास दिलाती थी कि वो इस किरदार को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें इस रोल को इस तरह से नहीं बल्कि इस तरीके से करना चाहिए, बार बार यही बातें वो उनके सामने रखती थी। फिर धीरज धूपर भी उनकी बातों को मानते हुए अपने आप पर भी ज्यादा एफर्ट्स लगाते थे और खूब मेहनत करते थे। पर इनकी मेहनत और लगन देखने के बावजूद दीपिका कक्कड़ ने एक दिन तो हद ही कर दी। उन्होंने सभी क्रू मेंबर्स के सामने धीरज धूपर को काफी जलील कर दिया और ये बात धीरज धूपर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी पलट पर जवाब देते हुए धीरज धूपर ने कुछ ऐसा करारा जवाब दिया जिसके बाद इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा नफरत बढ़ गई कि आज तक धीरज धूपर दीपिका कक्कड़ के साथ किसी और सीरियल में काम करना तो दूर, इनसे सीधे मुंह तक बात नहीं करते। और आज भी धीरज धूपर का दीपिका कक्कड़ से 36 का आंकड़ा बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धीरज धूपर की नफरत दीपिका कक्कड़ के लिए जायज है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।